नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट की बात हो रही है तो हमारे सामने ये इश्यूज़ हैं इस वक्त कि कौन से वो सक्सेस फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से या कौन से वो काम हैं कि जिनके करने से नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का जो काम है वो अच्छे तरीके से होता है तो इसमें हमारे सामने जो लिस्ट है इसमें तीन पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि बिल्डिंग अ नॉलेज शेयरिंग कल्चर नॉलेज शेयरिंग का कल्चर बनाया जाए उसके बाद है एस्टैब्लिंग मैंटोरिंग प्रोग्राम मैंटोरिंग प्रोग्राम बड़ा यूज़फुल समझा जाता है इस पर तफसी से बात करते हैं बाद में उसके बाद है इनिशिएटिंग टीम वर्क के लोग मिल के काम करने का जो बेहेवियर है उसको अपनाएं तो आइए इन्हें इन्हें बड़ी बड़ी देखते हैं सबसे पहले नॉलेज शेयरिंग कल्चर की बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉज़ विल बी मोर लाइकली टू शेयर नॉलेज विलिंगली इफ़ दे बाई इन टू द आर्गेनाइजेशन मिशन एंड विजन आर्गनाइजेशन के मिशन और विजन को ना सिर्फ वह समझें बल्कि उसको उससे एग्री करें और उसको अपना अपना हिस्सा बनाएं अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएं उसके बाद वो इसकाबल होते हैं कि उन्हें जो काम कहा जाएगा उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे और नॉलेज शेयर करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे तो नॉलेज शेयरिंग का कल्चर ऐसे बनेगा कि आप उनको मिशन और विजन समझाएँ वैदा इफ द सी मैनेजमेंट इज़ एक्टिवली स्पोर्टिंग के दे विल फील दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग वैल्यूएबल एंड दैट देर कंट्रीब्यूशन आर वैल्यू कि उसके लिए रोल मॉडल बने जो सीनियर मैनेजमेंट है जो टॉप मैनेजमेंट है वो रोल मॉडल बने अगर वो इस नॉलेज कंटीन्यूटी का जो काम है उसको इम्पोर्टेंट वो समझेंगे तो उसके बाद जो जूनियर स्टाफ है उसको देखते हुए वो फील करेगा कि मैं जो काम करने लगा हूँ ये एक वैल्यूएबल काम है और मेरे इस काम की कदर या कीमत जो है वो इस इदारे में मौजूद है द ग्रेटर द लेवल ऑफ ट्रस्ट एम्पथी आल्ट्रोइम टॉलरेंस फॉर एरर्स एंड कलेक्टिविज्म, देन द ईजियर इट विल बी टू कंडक्ट के सी एम कि ये सारी वो खूसियात हैं या ख़ूबियाँ हैं कि जो अगर उस कल्चर में मौजूद हैं कि उसमें एरर्स को माफ़ कर दिया जाता है उसमें उसमें ट्रस्ट और एम्पथी और इस किस्म की चीज़ें हैं और एम्प्लॉ एक दूसरे के साथ मिल के बुशी काम करते हैं तो फिर हम समझेंगे नॉलेज कंटिन्यूटी का जो काम है वो अच्छे तरीके से है और जो इदारे का कल्चर है वो उसके लिए तैयार है इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरी वन सीज़ अ पर्सनल टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट टू के सी एम कि हर किसी को ये अंदाज़ा हो कि ये जो के सी एम का काम है नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का उसका मुझे ज़ाती तौर पर क्या फ़ायदा है मेरे यूनिट या मेरे ग्रुप को क्या फ़ायदा है और ऑर्गेनाइजेशन को एज़ ए होल क्या फ़ायदा है ये जो फ़ायदों की लिस्ट है ये हर इंडिविजुअल के जहन में बड़ी क्लियर होनी चाहिए द मोर दे क्लियरली आइडेंटिफाई हाउ दे विल बेनिफिट फ्राम द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ देयर क्लीग्स इन द फ्यूचर दैन द ईजियर इट विल बी टू सेल के सी एम कि जैसे वो फ्यूचर में जो फ़ायदे हासिल होने हैं उसके बारे में जैसे या जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आप जो के सी एम का आइडिया है उसको आप सेल कर सकते हैं उनके सामने रखेंगे तो वो उसे खुशी के साथ कबूल करेंगे इसके बाद है मैंटोरिंग प्रोग्राम मैंटोरिंग क्या है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज किसी से जूनियर की तरफ मैंटोरिंग इन्वॉल्व हैविंग द मैंटोर एंड द प्रोटी वर्क टुगेदर टू डेवलप द नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द प्रॉटिजी ये प्रॉटेजी का जो लफ्ज़ है ये उस शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जिसने वो शागिर्दी इख्तीय करनी है या जिसने गाइड होना है किसी सीनियर से उसको अंग्रेज़ी में प्रॉटीजी कहते हैं तो जो मैंटोर है वो सीनियर है तजर्बाकार है ज़्यादा नॉलेजबल है उसके साथ आप लगा देते हैं किसी जूनियर को दोनों मिल के जब असाइनमेंट को करते हैं उससे सीनियर का जो नॉलेज है वो एक प्रैक्टिकल वे में ऑटोमेटिकली जूनियर को ट्रांसफ़र होता रहता है द मैंटोर इज अ टीचर कोच एंड एडवाइजर हु शेयर इज और हर नॉलेज एक्सपीरियंस इंसाइट्स एंड परस्पेक्टिव अलॉन्ग विद द मोर स्टैंडर्ड कोर नॉलेज कि वो सारा अपना एक्सपीरियंस सारा प्रस्पेक्टिव सारा जो कंटेक्चुअल नॉलेज है वो सारे का सारा उसके साथ ऑटोमेटिकली शेयर करता रहता है दोनों के मिलके काम करने की वजह से द मेजर बेनिफिट ऑफ मैंटोरिंग इज दैट बोथ एक्सप्लिसिट एंड द मोर एल्यूसिव टेस्ट नॉलेज कैन बी ट्रांसफर कि जो एक्सप्लिसिट होता है उसका तो ट्रांसफर वैसे भी आसान होता है लेकिन जो इसमें जो टेस्ट नॉलेज है जिसको कि कैप्चर करना एक मुश्किल काम था वो नॉलेज भी ऑटोमेटिकली सीनियर से जूनियर की तरफ ट्रांसफर होता रहता है ऑल द इफेक्टिव मैंटोरिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम सो इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द लास्ट मिनट इसमें टाइम लगता है मैंटोरिंग में काम सीखने में फॉर एग्जाम्पल इट शुड नॉट स्टार्ट वेन एन एक्सपीरियंस एम्प्लॉ हैज़ हैंड इन देर टू वीक्स नोटिस कि अगर सीनियर छोड़ के जा रहा है या रिटायर हो रहा है तो आप दो हफ्ते पहले किसी को उसके साथ उस उसकी मेंटोरिंग में दे दें किसी को उसके साथ जो है वो प्रोटीजी बना दें इसका फ़ायदा नहीं है अगर आपने मेंटोरिंग का सिस्टम यूज़ करना है तो इसमें कई कई साल कई कई महीने जो है वो जूनियर को सीनियर के साथ मिलकर काम करना चाहिए ज़्यादा टाइम चाहिए और इससे फिर जो है वो नॉलेज की जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र पॉसिबल होगी इट इज़ हेल्पफुल टू तो पेयर अप न्यूअर एम्प्लाईज़

डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ नॉलेजल अ नॉलेज नेटवर्क रादर दैन कंसनट्रेटेड इन दैडस ऑफ ओनली अ फ्यू और इवन जस्ट वन एम्प्लॉई आप जब टीम वर्क बनाएंगे हर काम हर प्रोजेक्ट एक टीम के हवाले करेंगे तो ये आप इंश्योर कर रहे होंगे कि नॉलेज किसी एक शख्स या थोड़े से जो अशास हैं या अफराद हैं उनके पास नहीं है बल्कि एक बड़ी टीम के पास है तो टीम जब मिलकर काम करेगी तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली इंश्योर होगी वेन एवर पॉसिबल दीज टीम्स शुड बी इंटर जनरेशनल इन कंपोजिशन टू सीड के सी एम एज अरली एज पॉसिबल एंड एज ब्रॉडली एज पॉसिबल थ्रू आउट दर्गनाइजेशन इसमें इंटर जनरेशनल लोग होने चाहिए सीनियर भी होने चाहिए इसमें यंगर स्टाफ भी होना चाहिए ताकि वो आपस में मिल के काम करें और नॉलेज के ट्रांसफ़र को आसान करें द मोर एम्प्लॉयज़ वर्क टूगेदर द मोर लाइकली दे आर टू डिवेलप ट्रस्ट शेयर नॉलेज मे एक मिस्टेक्स लर्न फ्राम अ वन एंड अदर इम्प्रूव देयर वर्क प्रैक्टिस एंड ईवन इनोवेट ये जो सारे काम है जो नॉलेज शेयरिंग से हासिल होते हैं वो अगर टीम बड़ी होगी तो उनका ट्रस्ट भी बेहतर होगा और वो इनोवेशन तक उस नॉलेज को ले जाएंगे और नॉलेज की शेयरिंग का जो है वो पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा उस अदारे की तरफ से इसमें आखिर में कुछ पॉइंट्स हैं वह हैं कि के सी एम का जो काम है नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का उसकी भी मेजरमेंट होनी चाहिए और उसके लिए भी मैट्रिक्स होने चाहिए कि किस तरह से कितना एफिशिएंटली कितना इफ़ेक्टिवली वो काम हो रहा है तो आइए देखते हैं इसमें क्या है एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन न्यू हायर्स कि जो न्यू हायर्स हैं उनमें उनमें उन जो कॉम्पिटेंसी डिवेलप करनी है उसमें क्या चेंज आई तो ये एक मैट्रिक हो सकता है उनकी कॉम्पिटेंसी की हद तक बढ़ी उसके बाद नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ विद दिस वैल्यूएबल नॉलेज हैज़ इंक्रीज कि वो जो ख़ास नॉलेज की बात हो रही है वो नॉलेज पहले कुछ थोड़े एम्प्लॉइज़ में था अब ज़्यादा एम्प्लॉज़ तक चला गया है उसके बाद डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एम्पेरिकल एविडेंस विच शुड रिजल्ट इन फ्यूअर एरर्स एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग अगर एरर कम हो रहे हैं डिसीजन मेकिंग फास्टर हो रही है तो आप इसको एक मैटर के तौर पर देख सकते हैं कि नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का काम अच्छे तरीके से हो रहा है और इसी में एक पॉइंट ये है कि के सी एम रिजल्ट इन रीयूजबल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द नॉलेज रिक्वायर्ड इन सर्टन जॉब्स और रोल्स कि अगर टेस्ट नॉलेज पहले था अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है तो उसका फ़ायदा ये है कि अब वो आइंदा का जो स्टाफ है उसके भी काम आता रहेगा तो अगर ये डॉक्यूमेंटेशन बढ़ रही है आपकी रिपोर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि के सी एम का काम ठीक हो रहा है और आखिरी जो इसमें मैट्रिक है वो ये है कि सक्सेशन प्लानिंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव अब सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं कि सीनियर स्टाफ जो है वो जब जाता है तो अपना काम जूनियर को सिखा के जाता है और वहाँ पे कोई गैप नहीं होता काम करने के दौरान उस गैप से बचने के लिए जो एक प्लान एक या प्रोग्राम बनाया जाता है उसे हम सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं तो अगर सक्सेशन प्लानिंग हो रही है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है इफ़ेक्टिवली हो रही है तो इट मीनस के, के सी का जो काम है वो अच्छे तरीके से जारी है